वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अमिष्टा कोड रोहित में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPIO कंप्रेशन किस तरह और बैकअप किस तरीके से लिया जाता है किसी फाइल का CPIO कमांड के थ्रू। तो CPIO कमांड क्या होती है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है किसी भी फाइल का आर्चीव में बैकअप लेने के लिए। मान लीजिए आपके पास कई सारी फाइलों की लिस्ट है और आप चाहते हैं कि उन फाइलों का आप एक आर्चीव में कन्वर्ट कर एक उसका बैकअप ले लें, तो उसके लिए हम यहाँ पर CPIO कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे यहाँ पर टर्मिनल के अंदर परफॉर्म किया जाता है, चलिए दोस्तों आकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स बनाकर रखी हैं 15। तो इन फाइलों को मैं बैकअप लेने के लिए CPIO कमांड के थ्रू मैं अर्चीव बैकअप यहाँ पर लूंगा। और यहाँ पर मैंने PWD कमांड का यूज किया ताकि मैं आपको बता दूं कि मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टेस्ट 2 के अंदर CPIO.files की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर यहाँ पर मैंने 15 फाइल्स बनाकर रखी हैं जिनका मुझे बैकअप लेना है। तो CPIO कमांड का यूज आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि CPIO को कमांड का यूज कब करते हैं, जब एक साथ आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं और उनका आपको बैकअप लेना होता है, तो आप यहाँ पर CPIO कमांड का यूज करते हैं। इसका मैनुअल भी मैं आपको दिखा देता हूँ CPIO। तो यहाँ पर कॉपी फाइल एंड फॉर्म अचीव्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पर कुछ सेंटेक्स है, आप मेन कमांड का यूज करके यहाँ पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अगर फ्री टाइम में। लेकिन अभी मैं आपको इसको बेसिकली यूज बता देता हूँ कि CPIO कमांड का बेसिक यूज कहाँ पर किया जाता है। इसके लिए कुछ सेंटेक्स का यूज किया जाता है। सबसे पहली चीज आती है, आपको एक पाइप कमांड के बारे में पता होना चाहिए। आप आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं कि पाइप कमांड क्या होती है। ls करेंगे, ls का मतलब यहाँ पर जितनी भी सबसे पहले आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी फाइल्स हैं और जिन फाइल्स का आपको यहाँ पर बैकअप लेना है। तो मैं यहाँ पर इस फाइल के अंदर आ गया, यहाँ पर 15 फाइल पड़ी है मेरी और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ls कमांड। ls का मतलब है यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं लिस्ट कर देंगे उनकी, और यहाँ पर लगाएंगे पाइप कमांड। पाइप कमांड लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है CPIO, यानी यहाँ पर CPIO कमांड है जिसका यूज करते हैं हम बैकअप लेने के लिए यहाँ पर, और बैकअप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका एक बैकअप बनाएंगे। बैकअप बनाने के लिए यहाँ पे सेंटेक्स यूज करते हैं ओ का मतलब है यहाँ पर हम इसका बैकअप ले रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं इन फाइलों का। ठीक है, तो ओ बनाएंगे। ओ के बाद हमें यहाँ पर यूज करना है O के बाद V यानी वर्बस, यानी कि सभी। ठीक है, सभी का आउटपुट। और यहाँ पर सेंटेक्स ग्रेटर देन का यूज करना है, यहाँ पर सेंटेक्स का। और ग्रेटर देन लगाने के बाद यहाँ पर आपको उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है जहां पर आपको ये फाइल बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, मैं अभी हूँ टेस्ट के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर, और यहाँ पर CPIO फाइल्स, और यहाँ पर उस फाइल, और अब यहाँ पर इतना आने के बाद आपको उस फाइल का नाम लिखना है .CPIO में जहाँ पर आप उस कंप्रेशन को लेना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप कंप्रेशन चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ backup.CPIO एंड हिट एंटर। यहाँ पर देखिए लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट होने के बाद यहाँ पर पूरी फाइल्स आ गई हैं, 2 ब्लॉक्स बनाए हैं इन्होंने और यहाँ पर पूरी तरीके से फाइल बना दी। अब लिस्ट करके देख लेते हैं कि हमारी फाइल का बैकअप आया भी है कि नहीं आया है। यहाँ पर देखिए backup.CPIO, यहाँ पर हमारी फाइल का बैकअप बन चुका है। हाँ दोस्तों, मैं एक बार और आपको यहाँ पर एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपकी डायरेक्टरी में जाना PWD, यानी अभी मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ और जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी फाइल्स पड़ी हैं उन फाइल्स को यहाँ पर ls करेंगे। ls करने के बाद आपको यहाँ पर पाइप कमांड का यूज करना है, CPIO लगाना है। CPIO होने के बाद आपको यहाँ पर ओ का मतलब है यहाँ पर आउटपुट, और आउटपुट के साथ V4 यानी वर्बस का यूज करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज करना है। ग्रेटर देन लगाने के बाद आपको उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है जहाँ पर भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर बैकअप फाइल आप बनाना चाहते हैं जहाँ पर भी। तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ टेस्ट के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर, तो यहाँ पर CPIO लगाऊंगा। CPIO यानी कि CPIO यहाँ पर एक मेरी फाइल डायरेक्टरी का पाथ है। ठीक है, और इस पाथ के अंदर यहाँ पर मुझे लिखना है backup.CPIO। बस यहाँ पर एक्सटेंशन याद रखिएगा, .CPIO में एक्सटेंशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका बैकअप बन जाता है। ls कर दूंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से बैकअप फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। सो इतना करने के बाद दोस्तों, ये तो हो गया हमारा बैकअप लेना कि किस तरीके से किसी भी फाइल का फाइल लिस्ट का यहाँ पर हमको बैकअप ले सकते हैं। अब इस बैकअप को हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर CPIO यहाँ पर और IV
आई भी लगाएंगे, आई भी लगाने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है सेंटेक्स लेस देन लगाने के बाद फाइल का नाम लिखें या फिर फाइल का पाथ लिखें। अगर आप उसी डायरेक्टरी में हैं तो आप फाइल का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो एक्चुअल पाथ भी लिख सकते हैं उसका। तो मैं यहाँ पर अभी उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पर बैकअप डॉट सी पी ओ फाइल का नाम लिख देता हूँ और प्रेस एंटर। इस तरीके से आप देखिए सेम इज वर्जन एक्सेट एक्सेट, यानी कि पहले से ये फाइलें आपके जो भी डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है इसलिए यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसका बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा किस तरीके से CPIO कमांड का यूज करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाने ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।